आप सब कैसे हो। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ जो केंद्र ओ वाले वृत्त पे बाह्य बिंदु टी है, वृत्त का जो सेंटर क्या ओ है और बाह्य बिंदु क्या है टी से दो स्पर्श रेखाएँ टीपी और टीक्यू खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि पी टी क्यू एंगल कौन सा, पी टी क्यू मतलब इस एंगल का बात करें बच्चों, इक्वल में 2 एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू मतलब इधर वाला जो एंगल है इस एंगल का क्या है डबल प्रूफ करना है। हम लोग पहले बच्चों गिवन पार्ट को लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे। पहले बच्चों गिवन पार्ट को लिखेंगे, लिखेंगे दिया है लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र ओ तथा स्पर्श रेखा का नाम क्या है टीपी और टीक्यू, स्पर्श रेखा टीपी तथा टीक्यू है तो सिद्ध करना है इधर वाला जो कोण है बच्चों इस कोण का क्या है डबल है, तो इस कोण का नाम क्या है पी टी क्यू, क्या नाम बच्चों पी टी क्यू इक्वल में डबल इंटू ओ पी क्यू, क्या करना है प्रूफ करना है। तो हम लोग ये स्टार्ट करेंगे बच्चों, लिखेंगे प्रमाण प्रमाण। हम लोग क्या करेंगे बच्चों इस कोण को कुछ मान लेते हैं, किस कोण को, इस वाले कोण को और इस वाले कोण को नेमिंग कर देते हैं। इस कोण का नाम कर देते हैं बच्चों 1 और इस कोण का नाम कर लेते हैं 2 और इस कोण का नाम मान लेते हैं थीटा। तो लिखते हैं इस कोण को क्या बोल सकते हैं बच्चों टी पी क्यू। तो लिखेंगे इस बात को बच्चों, माना कि टी पी क्यू, क्या बच्चों टी पी क्यू को नेमिंग कर दिए एंगल 1, उसी तरीके से एंगल जो 2 है बच्चों उसका नेमिंग हो जाएगा टी क्यू पी, दिखा देते हैं टी क्यू पी, उसका नाम क्या बच्चों एंगल 2। लिखेंगे बच्चों टी क्यू पी इक्वल में एंगल 2 और एक और लेट किए बच्चों उसको दिखा देते हैं, थीटा लेट किए हैं, थीटा का एंगल कौन सा बच्चों पी टी क्यू, क्या नाम है थीटा जिसको लेट किए पी टी क्यू, जिसका नाम क्या है थीटा। तो लिखते हैं बच्चों इसको पी टी क्यू इक्वल में थीटा। उसके बाद बच्चों हम लोग टी पी क्यू त्रिभुज को लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों त्रिभुज टी पी क्यू में टी पी इक्वल में लिख सकते हैं टी क्यू, क्या लिख सकते हो बच्चों टी पी इक्वल में टी क्यू, इसका रीजन क्या लिख सकते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। बाहर से अगर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों का की लंबाई क्या होता है बराबर होता है। तो लिखेंगे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अब किसी भी ट्रायंगल में बच्चों अगर साइड बराबर है तो साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होता है बराबर होता है। जैसे इस त्रिभुज में टीपी है और टीपी के सामने कौन सा एंगल है बच्चों एंगल 2 है, तो लिख सकते हैं एंगल 2 और टी क्यू कौन सा टी क्यू के सामने जो एंगल क्या है बच्चों 1 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1। ध्यान रखें किसी भी ट्राइंगल में अगर साइड बराबर है तो साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होता है बराबर होता है। त्रिभुज में बच्चों पी टी क्यू, त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, तो यूज करेंगे पी टी क्यू, क्या यूज करेंगे बच्चों पी टी क्यू। तो लिखेंगे त्रिभुज पी टी क्यू,
त्रिभुज में तीनों कोनों का एक कितना होता है बच्चों 180। तो कौन कौन सा कोण है इसमें दिखा देते हैं। इसमें जो एंगल है बच्चों एक तो एक है, फिर थीटा है, फिर क्या है दो है। तो लिखेंगे इस बात को, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थीटा इक्वल में क्या आ जाएगा 180। रीजन क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तीनों 180 होता है। अब यहाँ पे एंगल वन और एंगल टू क्या बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों एंगल वन इक्वल में एंगल टू क्या है बराबर है। अब यहाँ पे एंगल टू को रिप्लेस करेंगे बच्चों एंगल वन में, तो लिखेंगे एंगल वन प्लस टू को रिप्लेस कर देंगे एंगल वन प्लस एंगल थीटा इक्वल में 180। अब यहाँ पे छोटा सा डाउट हो सकता है बच्चों कि एंगल टू को एंगल वन में क्यों नहीं चेंज किए। तो इसका लॉजिक है बच्चों, क्योंकि जो मुझे रिलेशन चाहिए दिखा देते हैं, मुझे जो रिलेशन चाहिए इसमें चाहिए और इसमें, क्योंकि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पे लंबवत होती है, इसीलिए वन और इसमें रिलेशन है। दो का कोई भी कनेक्शन इस एंगल से नहीं है, इसीलिए दो को रिप्लेस किए इसमें, क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है इस वाले थीटा में और इस वाले क्या है थीटा में रिलेशन प्रूफ करना, इसमें कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए बच्चों दो को चेंज किए एक में। ध्यान रखें एंगल एक कितना बार बच्चों, दो बार है, एक एक दो। तो यहाँ पे एंगल टू सॉरी टू इंटू एंगल वन हो जाएगा प्लस थीटा इक्वल में 180। थीटा प्लस में तो इधर का जाएगा माइनस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं टू इंटू एंगल वन इक्वल में 180 माइनस थीटा, और यहाँ दो मल्टीप्लाई में तो इधर का जाए बच्चों डिवाइड में, तो एंगल वन का जो रिजल्ट आएगा 180 अपॉन टू, ध्यान रखें दो दोनों में डिवाइड होगा, माइनस 1/2 इंटू थीटा। यहाँ बच्चों कट जाएगा 90 पे, तो यहाँ पर आएगा 90 माइनस हाफ ऑफ थीटा। अब इसका एक और कंसेप्ट को यूज करेंगे इसमें बच्चों, एंगल वन और इस एंगल का जो एडिशन होगा 180 होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पे लंबवत होती है। तो कुछ एंगल ऐसे बनेगा बच्चों, इसमें दो एंगल आएगा, एक तो एंगल वन आ रहा है और प्लस ओ पी क्यू दोनों का एडिशन होगा क्या 90। उसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, तो लिखेंगे बच्चों इसको एंगल वन प्लस ओ पी क्यू इक्वल में 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे बच्चों, स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पे लंबवत होती है। क्या लिखेंगे बच्चों, स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंबवत होती है, लंबवत होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल वन का मान यहाँ से पुट कर देंगे बच्चों। एंगल वन का मान क्या है 90 माइनस हाफ ऑफ थीटा है। क्या है एंगल वन का जो रिजल्ट हम लोग निकाले 90 माइनस हाफ ऑफ थीटा प्लस ओ पी क्यू इक्वल में 90। या 90 से कट जाएगा बच्चों, क्योंकि प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, और यह माइनस है तो उधर जाएगा उधर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस वाले माइनस को हम उधर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर जाएगा एंगल ओ पी क्यू, इसको यहीं पर रहने दीजिए, आई माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं बच्चों हाफ ऑफ थीटा। अब यहाँ दो क्या है डिवाइड में, तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से लिख सकते हैं टू इंटू ओ पी क्यू इक्वल में थीटा। अब बच्चों हम लोग थीटा को क्या माने थे दिखा देते हैं। थीटा के बच्चों हम लोग माने थे पी टी क्यू, क्या माने थे पी टी क्यू। तो रिप्लेस करेंगे एंगल पी टी क्यू, यही बच्चों प्रूफ करना था, लेकिन बुक में पहले इसको लिख रखा, तो पहले इसको लिख देते हैं एंगल पी टी क्यू इक्वल में डबल इंटू ओ पी क्यू, यही प्रूफ करना था।
बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू।